जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए। और अब की बार तो सावन भी है और अधिक मास भी है। प्रत्येक वर्ष का नियम है, शास्त्र कहता है हमारे घर में अगर किसी ने टोना करा, हमारे घर में हाय लगी, नजर लगी, या हमारे घर में थोड़ी सी भी परेशानी आती है, तो वैजयंती माला में जो मन के होते हैं वो अपने आप फटना चालू हो जाते हैं, टूटना चालू हो जाते हैं। कितने माल पुए दान करते हैं अधिक मास में? 33। 31 नहीं लिखे हैं अधिक मास की कथा में, लिखे 33। 33 ही क्यों करते हैं? काहे के लिए करे जाते हैं 33 माल पुए? कोई महाराज जी से पूछियो कि भैया 33 ही क्यों, 31 कर दो, 32 कर दो, और मालपुए क्यों, रसगुल्ला कर दो, इमरती कर दो, जलेबी कर दो, पर मालपुए लिखे हैं अधिक मास की कथा में, मालपुए, और वो भी 33, 31 नहीं। अभी तक आपने जितने भी दान करे, 21 कर लो, 11 कर लो, 108 कर लो, पर 33 ही मालपुए अधिक मास में। तो अधिक मास की कथा में यह वर्णन किया गया है कि मालपुए ही इसलिए दान करे जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं। जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वह परमात्मा के धाम चले जाते हैं, इसलिए मालपुए दान कर जाते हैं, रसगुल्ला नहीं। और 33 क्यों? 30 दिन के तो 30, 31वें नंबर का मालपुआ। हमने अगर बेटी के घर का अन्न खा लिया हो, हमने बेटी के घर का अगर भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान होता है। 32वें नंबर का मालपुआ हमने ब्राह्मण और गुरु के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया, सूतक सावड़ जानते हो ना, मरे के बाद में अगर किसी के यहाँ कुछ पा लिया जाए तो सूतक का है, और सावड़ मतलब किसी के बच्चा जन्म ले ले उसके अंतर्गत हम भोजन कर ले तो सावड़ का। हमने अगर सूतक या सावड़ का भोजन कर लिया हो तो हमें दोष ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ होता है। ये 33 मालपुए का दान इसलिए करा जाता है कि हम नरकों में ना पड़े, हमारे पूर्वज, हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए हैं वो नरक में ना पड़े, इसलिए मालपुए का दान देने से हमारे पूर्वज तर जाए। मालपुए का दान 26वें नंबर के मालपुए पर अधिक मास में विष्णु पुराण में लिखा है, 26वें नंबर के मालपुए पर अगर वैजयंती माला को रखकर दान दे दिया जाए तो जिंदगी में कभी कमर घुटने का दर्द होता ही नहीं है, कभी जिंदगी भर नहीं होता। वैजयंती का दान इतना प्रबल है, वैजयंती माला 26 अधिक मास में 33 मालपुए में से 26वें मालपुए पर अगर वैजयंती माला का दान कर दिया जाए तो वो माला की प्रबलता से घुटने और कमर का दर्द शांत हो जाता है, समाप्त। और वैजयंती माला का इतना क्रम है साहब कि घर में ठाकुर जी को बिना वैजयंती माला के कभी नहीं रखना। क्यों? शास्त्र कहता है हमारे घर में अगर किसी ने टोना करा, हमारे घर में हाय लगी, नजर लगी, या हमारे घर में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वैजयंती माला में जो मन के होते हैं वो अपने आप फटना चालू हो जाते हैं, टूटना चालू हो जाते हैं। 3 दाने वैजयंती के, कितने दान? अधिक मास में 26वें मालपुए पर दान, वैजयंती का दूसरा दान। हमारे यहां कहा गया बैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैजयंती का दान कर देने से लक्ष्मी की घर में कभी कमी नहीं होती। काय का दान? जम के बोलो, वैजयंती का। कौन से दिन? बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तीसरा दान वैजयंती का, बसंत पंचमी के दिन अगर वैजयंती का दान कर दिया जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, सास बहु देवरानी जेठानी में अपार प्रेम रहता है। कौन से दिन? जम के बोलिए, बसंत पंचमी। 3 वैजयंती के दान। पहला दान अधिक मास में कौन से मालपुआ? 26वां मालपुआ वैजयंती का दान। दूसरा बैकुंठ चतुर्दशी के दान, किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। तीसरा बसंत पंचमी के दिन
वैजयंती का दान काय के लिए, घर परिवार में प्रेम को बढ़ाने के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।